और इनसे प्रतीक्षा में भी आए राजा जी ने और बहुत आज शास्त्र जी का कहना था कि जिन लोगों के सहयोग से सहायता से 40 वर्ष का मैंने शानदार सफर तय किया है, मैं बड़ा धन्यवाद के साथ जन्मदिन मनाऊंगा और मैं उनका धन्यवाद दूंगा, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। तो ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि सब लोग अपने सीट पे आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें और मंच पे ना आए कोई भी, मेरा अनुरोध है मंच पे ना आए। डॉक्टर साहब आपका जो निर्णय है मंच की गरिमा को बनाए रखें, सब लोग ये पीछे आ जाए, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने स्थान ग्रहण कर लें और डॉक्टर साहब सबसे स्वयं मिल रहे हैं, कोई ये ना सोचे डॉक्टर साहब सबके पास आएंगे, किसी को इसलिए होने की जरूरत नहीं। अगर आप सब लोग बैठ जाएंगे तो डॉक्टर साहब को भी सरलता रहेगी आपका आने में, आप लोग अपने स्थान ले लें, सब लोग अपने स्थान पर आ जाए तो डॉक्टर साहब को भी अच्छा लगेगा, वो खुद आप तक आएंगे। और डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति है जो अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति तक पहुंचेंगे। हमारे बीच में श्रीमान आनंद चौहान साहब आपको पहले डीसी है, एक बार बहुत बहुत तालियों से भैया पीछे पीछे हो जाइए, मैं नहीं करूंगा। सर भाई बलराज भाटी जी अपनी टीम के साथ आए माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए, सुशील पटेल के लिए माननीय पत्रकार आए हैं। सोच रुचि मार्गदर्शन मुझे मिला इस एमडी परिवार का, डॉक्टर अशोक चौहान जी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद से हम
आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भाई आनंद चौहान जी आज हमारे बीच में है। संस्था से हमने जीवन शुरू किया था, आज उसके प्रमुख श्रीमान ऐश्वर्य जी, आनंद चौहान जी, कि वो लोग हैं जिन्होंने मुझे पकड़ कर मुझे शहर में चलना सिखाया। तब जो ये समाज उनका सम्मान करता है, जो इस समाज को कुछ वापस करते हैं। और आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद करती है। भाई परमानंद जी कहा है, बहुत अच्छी दो लाइनों उन्होंने मुझे दी है कि दिखाई दिया नहीं करते हैं नीम के पत्थर, दिखाई दिया नहीं करते हैं नीम के पत्थर, जो जमीन में दब जाते हैं मारते हैं उन्हीं को बुलंद होती है। कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह पर आते हैं। आज ये परिवार उस पद चिन्ह बनाने वाले परिवार के रूप में है। मैं नमन करता हूँ इस पार्टी को और धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अशोक चौहान जी, डॉक्टर अमिता चौहान जी, भाई अशोक चौहान जी, अतुल, असीम, अजय भाई और सभी को, पूरे इस एमडी परिवार को, जिन्होंने भारत के अंदर एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाए हैं। मैं नमन करता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि आज आपके आशीर्वचन से ही ये आज का इस कार्यक्रम हो जाए। आज सभी लोगों ने कहा कि जगह छोटी हुई तो मैं भाई साहब से कहा, मैंने कहा जी साहब कह रहे थे कि हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे, क्षेत्र के लोग आएंगे। मैं देख रहा हूँ मेरे मदन जी और उनकी पूरी टीम, लगभग 40 वर्ष का सफर। 1 नवंबर 1982 को मैं शहर में आया था और उसके बाद इस सफर में ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिला, उंगली पकड़कर लोगों ने मुझे चलना सिखाया। राजस्थान की उस माटी से चलकर मैं आया था, शिक्षक पिता, किसान पिता का बेटा, मात्र 600 रुपए की पूंजी साथ में थी, लेकिन संस्कारों की बहुत बड़ी वसीयत और पूंजी मुझे पूज्य पिताजी के लाश शर्मा जी से मिली। मैं आपके विचार में उसे बात रखूंगा, लेकिन अभी हमारे बीच में ऐसी शक्कर है, मैं उनको आमंत्रण कर रहा हूँ, उनको परिचय देने की हैसियत तो मेरी नहीं है, लेकिन एक बड़े भाई पिता को एक ऐसी शक्कर जिन्होंने संस्कारों को, जिन्होंने अध्यात्म को, शिक्षा को, जिन्होंने अपने जीवन का क्षेत्र चुना और हमारे भारत जिसकी सनातन सभ्यता की एक झलक आपने देखी होगी कि जिस घर में, जिस संस्थान में यज्ञ से जीवन की रोजाना शुरुआत हुई हो, उस संस्थान के अभिभावक के रूप में मैं डॉक्टर अशोक चौहान जी को सामने दे रहा हूँ, जिन्होंने एमबी संस्था की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाए और एक ऐसी शिक्षा जो सबको उपलब्ध हो, आमजन के लिए हो, और अगर उस शिक्षा को अगर कोई और खर्च उसका वहन ना कर पाए तो उनकी जीवन संगनी हमारी बड़ी भाभी अमिता चौहान जी का ये सपना रहा कि ऐसी कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित ना रह पाए। अमिताक्षा नाम की संस्था से आज हजारों बच्चियां, अगर उनका उन्हें पिछली बार कार्यक्रम देखा था, ये सामान्य गरीब वर्ग की भूमि और रहने वाली बेटियां हैं जो इस अमिताक्षा के माध्यम से यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। लगभग 1.25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स विदेशों में, लगभग 17 कैंपस और देश में भी कितनी बड़ी संख्या में एमपी का सेंसर है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जिस राज्य में आप जाएंगे आपको एमपी नजर आएगा। 1,75,000